रोहतक लोकसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अरविंद शर्मा ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधर की राजनीति करने वालों को जनता ने आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि चौधर का झूठा नारा देने वालों को जनता समझ चुकी है और अब उनके बहकावे में कतई आने वाली नहीं है। आपने डट करके मुकाबला किया, इस पर कोई शक नहीं है, और आपने डट करके मुकाबला किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये कमल खिला है भाई, कमल का फूल मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी के लीडरशिप में आपने ये कमल का फूल खिला। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और इस आश्वासन के साथ जिन्होंने भरम फैलाया, हम विकास कर दिया, हमने कोई विकास नहीं किया। अगर आज बादली हल्के में और झज्जर जिले में अगर विकास हुआ है तो भाई विकास कुछ कौन है, ओम प्रकाश धनखड़ जी। तो मेरे साथियों, हमारा निशाना क्या है, उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने आपस में बांटने की राजनीति की, आपस में बढ़ाने की राजनीति की, भेदभाव की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की। आज हमारा उन ताकतों से मुकाबला तो जान रह नहीं रही है। अब बिल्कुल आप थोड़े से तगड़े हो गए, बिल्कुल जान ले रही है और मुझे पूरी उम्मीद है विधानसभा चुनाव में आप एकजुट होकर के जोश के साथ आप पार्लियामेंट में बने हो सकता है। मेरे बुजुर्ग साथियों, आपने उन साथियों को भी मनाना है भाई। किसी को हो सकता है मेरे को वोट देने में किसी को थोड़ी सी बात में नाराजगी हो, लेकिन आने वाले विधानसभा में हमने सबकी नाराजगी दूर करनी है। अगर कहीं जरूरत पड़े तो मैं मंत्री जी को ले जाना पड़े, कहीं मैं हमारे अध्यक्ष जी जाए, कहीं आनंद सागर जाए, कहीं योगेश जाए, कहीं बीडी कौशिक जाए, कहीं भी कहीं भाई संजय जाए, कोई साथी आपको जहाँ जरूरत पड़े सारे साथी चलने को तैयार हैं।